जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कितने प्यार से तुम ये शर्ट मेरे लिए लाई थी। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। अरे देखिए सर, आप आइए ना। कैसे हो मानव? मैं ठीक हूँ सर। तुम आजकल ऑफिस आते नहीं हो, मैंने सोचा घर पे तो मिल ही जाओगे। सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं ज्यादा ऑफिस नहीं आ पा रहा हूँ। आइए बैठे ना। थैंक यू। आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैं भी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम रोज ऑफिस आओ। मैं तो यहाँ कुछ और बात करने आया था। मानव, हमारी कंपनी को 20 साल पूरे हो गए हैं। दैट्स ग्रेट सर। सॉरी सर, मैं अपनी निजी जिंदगी में इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आई नो। मैंने सोचा कि इस मुबारकबाद के जितने हकदार तुम हो उतनी अर्चना भी। थैंक्स सर। सर मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सका था। वेल, आई थिंक वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि सबसे सही डिसीजन था। एनीवे, मुझे लग रहा है कि ऐसे मौके पे हमें शायद एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, जस्ट अ स्मॉल डिनर। कुछ हमारे प्रोफेशनल कॉलीग्स और परिवार के लोग बस। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन सर सच में मैं नहीं आ पाऊंगा पार्टी में। अर्चना के बगैर मन नहीं लगेगा मेरा। मैं समझ सकता हूं मानव। आशना के गुजर जाने के बाद मेरा भी कुछ यही हाल था। ना पार्टीज में जाने का दिल करता था, ना कोई सेलिब्रेशन। फिर मुझे उसकी एक बात याद आई। वो कहती थी कि The show must go on. तुमसे मैं यही कहूंगा। आई एम श्योर अर्चना को इस बात से खुशी होगी कि तुम अपनी कामयाबी की सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। अपने लिए नहीं तो कम से कम अर्चना के लिए तो आओ प्लीज। बाबा, डैड ठीक ही तो कह रहे। बाबा, हमारे लिए ना सही, आपके लिए ना सही, आई के लिए तो आ जाइए। बाबा, अब आप मेरी इंस्पिरेशन है और आपके बिना ये सब सेलिब्रेशन, ये सब कुछ अधूरा है। और बाबा, आपको नहीं लगता कि आप अगर इस पार्टी में आएंगे तो कहीं ना कहीं आई को भी अच्छा लगेगा? वो भी तो एक बहुत ही अहम हिस्सा थी इस कंपनी का, हमारी कंपनी की एम्प्लॉय थी, आपकी इंस्पिरेशन थी, उनके लिए सही। प्लीज बाबा। थैंक यू मानव। आई नो ओबेरॉय के साथ मीटिंग है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मीटिंग कल शिफ्ट कर दो। जितना कह रहा हूं उतना करो, तो टाइमिंग वगैरह जो कुछ मैं कल बताऊंगा मैं। इडियट। गुड मॉर्निंग मिस्टर मित्तल। तुम यह क्या कर रहे हो? गुनेगार होते हुए भी कोर्ट ने तुम्हें निर्दोष साबित कर दिया। जो चाहते थे वो हासिल कर लिया ना। हाँ, घूम रहे हो ना खुले, तो फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? मिस्टर मित्तल, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बस उसी को सुधारने के लिए आया हूँ। अच्छा, कौन सी गलती? बच्चों की अदला बदली वाली गलती? हाँ,
ये कोर्ट के फैसले के बाद तुम ये यहाँ आके जो अपनी गलती मान रहे हो ना, जो हिम्मत दिखा रहे हो, यही गलती तुमने अगर कोर्ट के सामने परिवार वालों के सामने मानी होती ना तो नहीं। मिस्टर मित्तल, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई और वो ये कि आप जैसा घटिया इंसान को मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया। जिस दिन आपको और डॉक्टर कुंदन को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था ना, उसी दिन मुझे आपको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर उस दिन मैं ये काम कर देता ना, तो आज आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ही समझ जाओगे मिस्टर मित्तल, वो भी बहुत जल्द। तुम जानते नहीं हो मुझे। एक सलाह देता हूं, तनाव में आके कोई ऐसी वैसी गलती मत कर बैठना। जानते नहीं हो तुम मुझे, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मिस्टर मित्तल। हाँ, लेकिन तुम लोग यहां क्यों अंदर चले आ रहे? एक मिनट। मिस्टर मित्तल, घबराने की जरूरत नहीं, मैंने ही बुलाया है अपनी गलती को सुधारने के लिए। एक मिनट। आप जानते हो मैं कौन हूं? फिलहाल आप एक मुजरिम हैं और आपके खिलाफ ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज हुआ है, और आप अपने अस्पताल में न जाने ऐसे कितने ही गैर कानूनी धंधे करते हैं जो नहीं। एक मिनट हवलदार साहब, एक मिनट। ये अब क्या बोल रहे हैं? मैं तो सीधा साधा बिल्डर हूँ, ये कौन सा गैर कानूनी काम? मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो रैकेट है वो ये आदमी चला रहा है। ये मुझे झूठे केस में फंसाना चाह रहा है। और एक मिनट, और आप मुझे किस बिना पे गिरफ्तार करेंगे? आपके पास कोई सबूत तो है ही नहीं, है ना? सबूत मैं कोर्ट में पेश करूंगा मिस्टर मित्तल। अजीब खेल है नहीं वक्त का। कुछ दिनों पहले आपने मुझे इसी मोड़ पर लाके खड़ा किया था जहां पर आज आप खड़े हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चलिए मिस्टर मित्तल हमारे साथ। यू डोंट नो मी। अरे ये सब क्या हो रहा है? आप? मैं मिसेस मित्तल। आपके पति को ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया जा रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी है, ये सब कर ही नहीं सकते। देखिए मैडम, ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं इसका फैसला कोर्ट को करने दीजिए। आप हटिए रास्ते से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ पूर्वी। मैं तुमसे कहा था ना अपने पति को इन सारे मामलों से दूर रखने के लिए। अरे क्या हुआ बेटा, इस तरह का चिल्ला रही तू? मित्तल को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। क्या? लेकिन क्यों? ये सब ऑनर की वजह से हुआ है, उसी ने मित्तल के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की होगी। भाई तुझे कोई गलत फहमी हो रही है, बिना मुझसे पूछा ऑनर ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वो ऐसा कर चुके हैं पूर्वी। शांत हो जा बेटा। पूर्वी तू ऐसे कैसे जता रही है कि तुझे कुछ नहीं पता? तुझे वाकई में कुछ पता नहीं है? तू नहीं पता होने का नाटक करे। और ये ऑनर भी कैसा इंसान है, अभी एक केस खत्म हुआ नहीं कि उसने दूसरा केस कर दिया। अरे कुछ भी करने से पहले एटलीस्ट हमारे बारे में तो सोचा होता। पता नहीं लोग किस तरह की बातें बनाएंगे, कितनी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी। इसे अक्ल नहीं है उसमें। अरे पता नहीं ये केस और कब तक चलेगा। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है मंजू? केस में अगर वाकई में दम नहीं है तो वो वैसे भी खारिज होगा। देख ओनिर निर्दोष था तो वो बाइज्जत बरी हो गया, अगर मित्तल निर्दोष है तो वो भी छूट जाएगा। कोई भी अदालत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, है ना? तू चिंता मत कर। लेकिन आई जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है ना। मिस्टर मित्तल कितनी फेमस पर्सनैलिटी है, मीडिया वैसे उनके बारे में पता नहीं क्या क्या छापते रहते हैं, पर ये केस हो गया अब पता नहीं वो और कितनी अफवाह फैलाएंगे। और आई पुलिस पता नहीं वहां उन्हें कैसे ट्रीट कर रही होगी। अरे बेटा तू देखो यार, खड़े खड़े बातें करने से कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां जाके पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ विनोद अभी चलो और मैं भी चलती हूँ। चलो मैं भी आती हूँ। चलो नहीं आई तू यहीं रुक, तेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, वहां जाके परेशानी होगी, हमें ना हम सब देख लेंगे। चलो जल्दी आओ। आजी,
आजी मुझे सच में नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने पहले ही रोक देती। पूर्वी, ओनिल ने जो कुछ Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।